निहार में बैठ जाता है तो सोना है, अगर निहार में नहीं बैठता तो सोना नहीं है। चरख देकर पिघला हुआ सामान जो हमारा था पिघला कर उसी वक्त उसी ने तेजाब में डाल दिया तो एकदम वो बैठ गया। वो जो बुरादा था सोने की तरह था, बिल्कुल सोने के रंग के था। उसने हमें पैसे दे दिए उसी वक्त। हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद हम सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे आप दोस्तों के सवालात मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के सवालों के जवाब दें। इसी वीडियो से मुतल्लिक हमारे एक दूसरे भाई का सवाल है, पूछते हैं कि उस्ताद जी नमस्ते, क्या ये कंप्यूटर पास भी हो जाएगा और कितना टॉर्च का हो पाएगा, प्लीज़ बता दें। तो इसका जवाब जानते हैं उस्ताद से। उस्ताद जी ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कंप्यूटर पास हो जाएगा और कितना टॉर्च। ये जो नुस्खा हमने किया था वो 1990 में किया था, आज से 30-32 साल पहले की बात है। उसी वक्त कंप्यूटर नहीं था, ना ही कंप्यूटर में चेक करते थे। और हमने जब नुस्खा बनाया तो इसको हमने चरख दिया, पहले खुद हमने दो बार तेजाब में डालकर देखा, वो फिल फौर तेजाब में सोने की तरह बैठ जाता था। उसके बाद चरख दिया तो चरख भी खाता था। दोबारा इसको तेजाब में डाला तो वो एकदम सोने के जैसा बुराता होता है, एकदम सोना बैठ जाता है, ऐसे बैठ गया। फिर हम सुनार के पास ले गए, सुनार ने कहा कि हम निहार करके देखते हैं। उसी वक्त निहार जो थी बहुत बड़ी तजुर्बाशुदा बात थी उनकी कि निहार में बैठ जाता है तो सोना है, अगर निहार में नहीं बैठता तो सोना नहीं है। उसी वक्त कंप्यूटर नहीं था। उसने चरख देकर पिघला हुआ सामान जो हमारा था पिघला कर उसी वक्त उसी ने तेजाब में डाल दिया तो एकदम वो बैठ गया। वो जो बुरादा था सोने की तरह था, बिल्कुल सोने के रंग के था। उसने हमें पैसे दे दिए उसी वक्त, हमारे पाकिस्तान के मुताबिक 5,000 रुपये सोने का रेट था। हमें तो पैसे दे दिए उसी वक्त उसी ने, क्योंकि कंप्यूटर था नहीं, ना ही हम कंप्यूटर में ये चेक कराया। आप करें तो निहार की मैं गारंटी देता हूँ, कंप्यूटर उसी वक्त था नहीं, मैं कंप्यूटर में नहीं आजमा कर देखा, आगे आपकी मर्जी है करें या ना करें। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली कीमती वीडियो में।